गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के तीन नियम प्रतिपादित किए थे, जिनमें पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स विच अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द वन विच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। यानी है, जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं तो जो लक्षण F1PD में प्रकट होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, जो F1PD में प्रकट नहीं हो पाता रेसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। इसी पर आधारित है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द होमोजाइगस रेसेसिव विल ऑलवेज एक्सप्रेस द डोमिनेंट फिनोटाइप। जब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमेशा F1PD में डोमिनेंट फिनोटाइप हमें दिखाई देगा। हम इस नियम को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझ सकते हैं। हमने यहाँ दो एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल जो है मानव के ह्यूमन के हेयर्स का है। मानव में दो तरह के हेयर्स के कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला है कर्ली हेयर, दूसरा है स्ट्रेट हेयर। कर्ली हेयर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उसको हमने कैपिटल सी के द्वारा डिनोट किया है, और स्ट्रेट हेयर जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर है, उसको हमने स्मॉल सी के द्वारा डिनोट किया है। जब पेरेंटल जनरेशन के बीच क्रॉस करवाते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन होता है। चूंकि सेम टाइप के एलील्स हैं इसलिए सेम टाइप का गैमेट बनेगा, और गैमेट्स के फ्यूजन से F1 जनरेशन यहाँ पे प्राप्त होती है। F1 जनरेशन में केवल चूंकि दोनों लक्षणों को निर्धारण करने वाले जीन यहाँ आ रहे हैं, लेकिन F1 जनरेशन में केवल कर्ली हेयर्स दिखाई देंगे, क्योंकि कर्ली हेयर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर होता है स्ट्रेट हेयर। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें पेरेंटल टाइप के जो प्लांट्स हैं, पी प्लांट है, एक है टॉल प्लांट और दूसरा है डॉग प्लांट। टॉल प्लांट को डिनोट करने वाले जीन कैपिटल टी जीन है, और डॉग को डिनोट करने वाले जीन है स्मॉल टी जीन। ये होमोजाइगस कंडीशन में है। इनमें जब क्रॉस करवाते हैं तो पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स के फ्यूजन से F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन एक हाइब्रिड जनरेशन होती है जिसमें दोनों लक्षणों को निर्धारण करने वाले जीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप में केवल हमें टॉल प्लांट दिखाई देंगे। क्यों? इसीलिए इसी आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इस नियम के जो अपवाद हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। जिसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक प्लांट है मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा में एक प्लांट के जो फ्लावर का कलर है, एक का रेड है और दूसरा का जो है वाइट। ये पेरेंटल टाइप के जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर का कलर है कैपिटल जो आर है रेड कलर के लिए जिम्मेदार है, स्मॉल आर व्हाइट कलर के लिए जिम्मेदार है। इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, इसलिए सेम टाइप के गैमेट बनेंगे। गैमेट्स के फ्यूजन से F1 जनरेशन मिलती है। अगर यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से लागू होता तो ये प्लांट हमें किस तरह के मिलते, रेड फ्लावर वाले। लेकिन जो ये प्लांट्स F1 जनरेशन के जो पौधे हमें मिले वो सभी पौधे कैसे थे, पिंक फ्लावर के। इनकी फ्लावर का कलर कैसा था, पिंक था।
तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। जब इन F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया, यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हुआ F1 प्लांट के बीच में, यहाँ गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे क्योंकि ये हिटरोजाइगस कंडीशन है, इसलिए दो टाइप के गैमेट यहाँ बनेंगे और इन गैमेट्स के फ्यूजन से F2PD हमने प्राप्त करी। F2PD जब हमने देखी तो यहाँ तीन तरह के प्लांट्स हमें दिखे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर। हमने यहाँ पे देखा कि जिन पौधों का जीनोटाइप कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन है उनका फ्लावर का कलर कैसा था, रेड था। जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल था उनके फ्लावर का कलर पिंक था, और जिनमें दोनों स्मॉल आर थे उनके फ्लावर का कलर व्हाइट था। इस तरह से यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फेल हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविकता के नियम की कई उपयोगिताएं भी हैं, जैसे ऐसे डिजीज जो रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन की वजह से हो जाती है वो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में वो डिजीज नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर प्रभावी लक्षण अपना असर दिखाता है, प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रकट करता है। जैसे हम बात करें हीमोफीलिया की, हम बात करें डायबिटीज की, मंद बुद्धिता की, तो ये जो बीमारियां हैं ये रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होती है। तो हेटरोजाइगस कंडीशन में जीन तो इन बीमारियों के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बीमारियां उस व्यक्ति, उस ऑर्गेनिज्म में, उस पर्सन में एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेगमेंट।